तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ये कार है जिसका मास कैपिटल एम है, मूविंग एन हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर, एट एनी इंस्टेंट इस स्पीड इज वी एंड इट इज इंक्रीजिंग। ध्यान देना, स्पीड वी है और इंक्रीज हो रहा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलेशन है और वो एक्सेलरेटिंग गाड़ी है, तो डी वी ओवर डी टी इंक्रीज हो रही है क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी कार है और आगे जा रही है, ये कार आगे जा रही है, तो इसका स्पीड बढ़ रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड है, ठीक है ना। अगर एक्सेलरेटेड है तो इस पे फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में लगता है। ये लीनियर मोशन में अगर कोई गाड़ी है या आगे जा रही है वी वेलोसिटी से, एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसको एक्सेलरेट कौन कराएगा यार? ग्राउंड का फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन की मोशन हो गया। अगर यही पार्ट सर्कल में चलता है कोई गाड़ी, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो वो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लगता है। अभी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर का कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों। तो समझने की कोशिश करना, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो गाड़ी का मास एम है, स्पीड भी है, रेडियस आर है, तो इस चीज़ को चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं एक अच्छा सा डायग्राम बनाया हूँ आपके लिए, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट करो प्यारे बच्चों। गाड़ी की मास एम है और जिस सर्कल में ये मुड़ रही है, उस सर्कल की जो रेडियस है, ये जिस सर्कल में ये गाड़ी मुड़ रही है उस सर्कल का रेडियस कुछ आर है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सलेशन, एक्सलेशन है, तो टेंजेंशियल वाली एक्सलेशन इधर आएगी और जो एक्सलेशन सेंटर की तरफ जाएगी वो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन आएगी, दैट इज ए सी। तो यहाँ पर जो ए सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वी स्क्वायर ओवर आर, और जो ए टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डी वी ओवर डी टी, ठीक है, डी वी ओवर डी टी। और ये एक्सलेशन ए है शायद, देखो तो यहाँ पे दिया, हाँ ए है, तो इसकी वैल्यू ए है, तो ये दो एक्सलेशन आ जाएंगे। तो नेट एक्सलेशन अगर देखोगे, तो नेट एक्सलेशन अगर अच्छे से देखोगे, तो ये नेट एक्सलेशन हम लोग का कुछ ऐसे इस लाइन में आ जाएगा इधर। तो इस लाइन में अगर नेट एक्सलेशन आ गया है, उसकी जो वैल्यू है ये नेट एक्सलेशन, तो ये कुछ यहाँ से, अब यहाँ पे देखो अगर एक्सलेशन आ रहा, तो नेट एक्सलेशन ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, तो अंडर रूट। तो इसको अगर तुम अंडर रूट ले लोगे तो यह आ जाएगा वी स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये वाली जो चीज़ है वो अपने पास नेट एक्सलेशन आ गई। तो ध्यान देना, अब नेट है, अब देखो फ्रिक्शन किधर लग रहा है। तो जब अगर फ्रिक्शन की बात करोगे तो सर्कुलर मोशन में ये तो नेट एक्सलेशन होगा। तो अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी मुड़ रही है ऐसे, तो जब कार अपनी यहाँ पर ही यहाँ पर थी, तो समझना, तो ये सेंटर है, डॉट डॉट डॉट, ये मैंने सेंटर बना दिया। तो एक तो फ्रिक्शन इधर आएगा, ठीक है, सेंटर की तरफ, जो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इसमें। तो एक तो फ्रिक्शन इधर आएगा जो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये दैट इज एम वी स्क्वायर ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक फ्रिक्शन इधर आएगा जो इसको एक्सलरेट कराएगा, तो जो नेट फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा वो इधर की डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये तो नेट फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी, पहले वाला फ्रिक्शन का स्क्वायर और दूसरे वाले फ्रिक्शन का स्क्वायर, कुल मिला के यही यही तो नेट फ्रिक्शनल फोर्स वही आ जाएगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर और प्लस ये एम ए का स्क्वायर जो इसको एक्सलेट करा रहा अंडर रूट। तो ये जो है नेट अवेलेबल फ्रिक्शन है, यहाँ पे नेट अवेलेबल फ्रिक्शन है बच्चों, नेट अवेलेबल यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ इतना तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये तो बात सबको समझ में आई। तो हमें एक्सलेशन की बात करना है, तो यहाँ से जो एक्सलेशन आ जाएगा, एक्सलेशन नेट एक्सलेशन वो आ जाएगी वी स्क्वायर ओवर आर का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट। ये नेट एक्सलेशन, दिस इज द नेट एक्सलेशन। तो अब एक एक चीज कैलकुलेट करो ऑप्शन। तो आई होप कि पहला द एक्सलेशन ऑफ पार्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाथ, बिल्कुल गलत है फर्स्ट ऑप्शन। देखो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन टुवर्ड द सेंटर होगा, नेट एक्सलेशन ठीक ना अल्फा डिग्री पर है, सेंटर से कितनी डिग्री पे भाई, अल्फा डिग्री पे है, तो ये अल्फा डिग्री पे है, तो सेंटर की तरफ नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है।
सेकेंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स कार इज ग्रेटर देन MV2। ऑब्वियसली देखो जो नेट फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर इस गाड़ी को मुड़ना है यहाँ पे, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है नेट फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली ग्रेटर है MV2/R से। तो ये यहाँ पर ये वाली जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकती है या स्टेटिक भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसकी स्पीड कितनी है, ज़रूरत कितनी है ठीक है मुड़ने के लिए। तो यहाँ से तो ये बात तो बिल्कुल सही है, अवेलेबल फ्रिक्शन जो है MV2/R से अधिक होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए अगर मुड़ना है तो, ठीक है ना। चलो सी, फ्रिक्शनल कोफिशियंट बिटवीन द कार एंड नॉट लेस देन A/G, इसको चेक करो। फ्रिक्शनल को भी जब कार मुड़ रही थी तो देख रहो MG, अगर टॉप व्यू इसका देखोगे तो टॉप व्यू देखोगे तो गाड़ी पे MG, ये जो MG है नॉर्मल ऊपर लगेगा, MG नीचे लगेगी, ये तो दोनों चेंज ही नहीं होंगे कभी। अभी नॉर्मल, अभी भी गाड़ी हॉरिजेंटल प्लेन में मुड़ रही है मेरे भाई, तो नॉर्मल इधर नहीं लगेगा, हॉरिजेंटल प्लेन में मुड़ रही है, अभी भी नॉर्मल ऊपर लगेगा, MG नीचे लगेगी, तो वो आप समझ जाना। तो यहाँ से जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है, मान लेते हैं लिमिटिंग है, तो म्यू एन के इक्वल होगी, दैट इज म्यू MG। तो यहाँ पर मैं इसको यूज करूँगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू MG, और यहाँ से M कॉमन हो गया, B²R का होल स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर अंडर रूट। तो कहने का मतलब ये है ना, एम ने एम को काट दिया, तो मैक्सिमम अवेलेबल यहाँ से म्यू, और जी को रूट के अंदर ले जाओगे तो यह जाएगा B²/RZ², और यहाँ से प्लस A/G का होल स्क्वायर आ जाएगा, सब कुछ अंडर रूट ये। तो ऑब्वियसली जो म्यू है यहाँ पर, जो म्यू है अवेलेबल, जो म्यू अवेलेबल है म्यू इज ग्रेटर देन A/G, ठीक ना। तो म्यू की वैल्यू A/G से ग्रेटर है, अगर ये वाली स्पीड 0 हो जाती है तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो A/G के यहाँ बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, A/G के बराबर। बाकी स्पीड तो 0 है नहीं, तो स्पीड 0 नहीं, तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो AD होगी, तो म्यू इज ग्रेटर देन A/G। मतलब कुल मिला के प्यारे बच्चों, दैट इज सी ऑप्शन सही है। तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बिटवीन ग्राउंड एंड कार, ये बात बिल्कुल गलत है, तो यहाँ से अपना बी और सी ऑप्शन सही बन जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए, और आपके सारे डाउट क्लियर होंगे इस चैनल पे फिजिक्स के। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, और बेहतर तरीके से मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ आपके लिए, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।